हेलो हेलो हेलो, लेट्स स्टार्ट। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द बेस्ट लेक्चर्स ऑफ ऑडिट नेशन वाइड, वेलकम टू ब्रिलियंट लेक्चर्स बाय एमईपीएल। जी हां दोस्तों, एमईपीएल जिधर ऑल सब्जेक्ट्स इन वन रूफ होता है फॉर फाउंडेशन इंटर फाइनल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सीए फाउंडेशन की नई बैचेस चालू हो चुकी है, तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, ओके, उनको आप जरूर बोलिएगा एनरोल करने के लिए, आपके कजिन्स को। अब हम चालू करते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज के टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर वन का पूरा रिवीजन। चैप्टर वन का नाम क्या है? नेचर, ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, नेचर का मतलब क्या होता है सर? ऑडिट कैसा होगा, ऑडिट के एडवांटेज कैसे होंगे, फीचर्स कैसे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होगी, उसको हम नेचर बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब मैं ऑडिट क्यों कर रहा हूँ, व्हाई एम आई डूइंग द ऑडिट। ओके, और स्कोप का मतलब क्या होता है, मैं ऑडिट में क्या चेक करूंगा और क्या चेक नहीं करूंगा, कितना गहराई में जाऊंगा, उसको हम स्कोप बोलते हैं। क्लियर है आपको? ओके, तो नेचर का मतलब ऑडिट की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी, ऑडिट के एडवांटेज डिसएडवांटेज, ऑब्जेक्टिव का मतलब व्हाई एम आई डूइंग ऑडिट, और स्कोप का मतलब क्या कवर होगा और क्या कवर नहीं होगा। तो इतना आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट पे सबसे पहले। ओके, थोड़ा बेस बिल्डअप करूंगा मैं, उसके बाद आपको समझाऊंगा तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन? ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी? ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज डन विथ अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। इसको ध्यान से समझना, ऑडिट है क्या? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, मतलब जो भी ऑडिटर होता है उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं होगा। अगर वो कोई भी तरीके से मुझसे रिलेटेड होगा तो वो बायस्ड ऑडिट करेगा। सोचो मेरा एम्प्लॉय ही ऑडिट करे, मेरा रिलेटिव ही ऑडिट करे, मेरे जान पहचान वाला ही ऑडिट करे, तो फिर 100% वो सही रिपोर्ट ही देगा। देखिए जब रिलायंस का ऑडिट होता है तो 35 लाख लोग वो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के इन्वेस्ट करते हैं, रिलायंस के 35 लाख इन्वेस्टर है। तो हमेशा जो इंसान चेक करे उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट में दो वर्ड आते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। आप बोलेंगे व्हाट इज इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड? एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड विच अलाउज अस टू मेक अ ओपिनियन विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय अदर्स। अपीयरेंस का मतलब दिखना भी इंडिपेंडेंट चाहिए, बराबर। क्लाइंट गुड मॉर्निंग बोल रहा है, आप बोले यस सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, इतना नहीं, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। क्लियरली एक थर्ड पार्टी को लगना चाहिए कि मेरा क्लाइंट से कोई रिश्ता नहीं है, मैं क्लाइंट से एकदम अलग हूं। कोई भी इंसान दूर से बोलना चाहिए ये ऑडिटर है, बराबर, ये क्लाइंट से। अपीयरेंस, राइट, कभी कभी मैं अपीयरेंस से तो होता हूं बट अंदर से माइंड से मैं इंडिपेंडेंट नहीं होता। कब ऐसा होता है? जब मुझे लगा कि अगर मैं कुछ गलत करूंगा, अगर मैंने एडवर्स रिपोर्ट दिया, क्वालिफाइड दिया, मुझे निकाल देंगे, तो फिर मैं अपीयरेंस से तो इंडिपेंडेंट हूं, दुनिया को लग रहा है, बट माइंड से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं, बराबर। दिमाग से मैं ऐसे ही ऑडिट कर रहा हूं कि मैं क्लाइंट का ही एम्प्लॉय हूं, मैं क्लाइंट का गलत नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज मुझे निकाल दिया तो मुझे ऑडिट फीस कैसे मिलेगी नेक्स्ट ईयर, और ये मेरा बहुत बड़ा क्लाइंट है। अरे निकाल दिया तो कोई बात नहीं, आप नंबर वन कोर्स कर रहे हैं इंडिया का, किसी से डरना नहीं है। ओके, वापिस एक बार, ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। बोलो इंडिपेंडेंट कैसे होना चाहिए, माइंड से कि अपीयरेंस से? दोनों से। माइंड का मतलब आप दिमाग से इंडिपेंडेंट होने चाहिए और दिखने भी इंडिपेंडेंट चाहिए, बराबर। कभी कभी एक लास्ट एग्जांपल लेता हूं, कभी कभी आप पढ़ रहे हो, बराबर, आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, बट टीचर बोल आ रहा है, हाँ 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 पूरा आ रहा है पूरा, मतलब आप माइंड से इंडिपेंडेंट नहीं हो। अपीयरेंस से तो आप दिखा रहे हो कि आपको आ रहा है, बट माइंड से आपको समझ नहीं आ रहा। तो पहला वर्ड हो गया ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका एग्जामिनेशन करेंगे, आप बोलिए? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स दोनों आते हैं। सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पे ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। जी हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? पांच बातें, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स, इतनी बातें आती है। किसका चेक करूंगा मैं? कोई भी एंटिटी होने दो, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या लॉस मेकिंग हो, वो प्रॉफिट वाली रिलायंस हो या लॉस वाली पेटीएम हो,
इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो, बराबर वो टीसीएस जैसी कंपनी हो 20 लाख करोड़ की, या बहुत ही छोटी सी पान का गल्ला हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज डन, मैं करता क्यों हूं, विद अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, मेरा काम है एक ऑडिट रिपोर्ट देना, एक ओपिनियन देना। वापिस एक बार, ऑडिट क्या होता है सर? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, किसका करूंगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? ऑफ एनी entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form, when such an examination is done with a view of expressing an opinion thereon, mera ek hi kaam hai, kya karunga? Opinion dunga. Clear hai? Ek bar pad lo isko aap mast tarike se, please pad lo. Clear? चलो, व्हाट इज ऑडिट? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी? ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज डन विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हमारा काम क्या है? एग्जामिनेशन करके ओपिनियन देना. ओके, अब इधर आ जाइए. ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एज पर एसए 200 बराबर डबल ओ, इधर भी डबल ओ देख लीजिए, ओ ओ ओ ओ बराबर एस पर एसए 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या है? आखिर ऑडिट होता ही क्यों है? नंबर वन, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मेरा एक ही काम है, रीजनेबल अश्योरेंस देना कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है. पहले मैं वर्ड बाय वर्ड आता हूं. ओके, रीजनेबल अश्योरेंस ही क्यों होता है? कभी भी मैं कंप्लीट अश्योरेंस क्यों नहीं देता? ओके, तो चलो इसके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ना है. बिकॉज ऑडिट में कुछ लिमिटेशन है, हमेशा समझना, ऑडिट में कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल ही नहीं है. रीजनेबल इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट कंप्लीट एश्योरेंस. क्यों कंप्लीट पॉसिबल नहीं है? बिकॉज लिमिटेशन ऑफ ऑडिटर, लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का मतलब ऑडिटर की फटी या फैटी, जो भी आपको समझना है समझ लो, अगर फटी या फैटी जो भी आपको समझना है, बराबर ऑडिटर इनहेरेंट लिमिटेशन, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, हमारा पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत सारे अजम्पशंस पे बेस्ड होता है, और ये अजम्पशंस आर नॉट ऑब्जेक्टिव बट सब्जेक्टिव चेंज फ्रॉम मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट. पांच अजम्पशन बोल देता हूँ, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, इंपेयरमेंट लॉस एक प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर वारंटी, मतलब हमारा पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही बहुत सारे जजमेंट और अजम्पशन पे बेस्ड है. तुम ऑडिट ही जजमेंट पे कर रहे हो तो मैं 100% सिक्का कैसे मार सकता हूं? तुम बोले भाई हमारा जजमेंट चलेगा, पर मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है. अगर मैनेजमेंट ऑडिट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जजमेंट पे बना रहा है तो मैं कंप्लीट एश्योरेंस कैसे दूंगा? बिकॉज जजमेंट का तो नाम ही है चेंज हो जाना. तो ये नंबर वन लिमिटेशन है, जजमेंट बाई मैनेजमेंट. एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजन विच चेंज फ्रॉम मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट. फ्यूचर इवेंट्स, देखो फ्यूचर इवेंट्स और कंडीशन में कास्ट अ डाउट ऑन गोइंग कंसर्न. किसको पता था जेट एयरवेज बंद हो जाएगा? किसको पता था पेटीएम पे इतने सारे रेगुलेटरी इश्यूज आएंगे? किसको पता था इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर सहारा श्री बंद हो जाएगा? कहने का मतलब फ्यूचर इवेंट्स मेरे हाथ में नहीं होती है. एडवर्सली सब इवेंट में अफेक्ट विच विल अफेक्ट अवर बिजनेस, तो मैं 100% एश्योरेंस दे ही नहीं सकता, बिकॉज फ्यूचर में क्या होगा ये किसी को पता नहीं है. तीसरा, ऑडिटिंग प्रोसीजर. देखो ऑडिटर का काम क्या है? ऑडिट करना. जिधर डाउट आए उधर मैं डिटेल में जाऊंगा, मेरा काम फ्रॉड ढूंढना नहीं है. फ्रॉड अलग है और ऑडिट अलग है. ऑडिट का काम क्या होता है? देयर आर लीगल लिमिटेशंस ऑन ऑडिटर टू ऑब्टेन एविडेंस. और जब जब फ्रॉड किया होता है तो क्या मैनेजमेंट सामने आ सके बोलेगी ए सर हमने फ्रॉड किया है, परचेस के अंदर 52 करोड़ का फ्रॉड है, तो आप ढूंढ जरूर लेना, भूल मत जाना. कोई नहीं बताता. हमारा ऑडिट इस अजम्पशन पे होता है कि सब कुछ सही है, एक भी रुपए का गलत नहीं है. मैं उसी मन से जाता हूं कि सब कुछ सही है. ऑडिटर ऐसा बोला जाता है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड. व्हाट इज वॉच डॉग? मैं कुत्ता हूं, किधर भी मुझे डाउट लगा तो गहराई में जाऊंगा, बराबर, तो बहुत ही गहराई में जाऊंगा. मैं वॉच डॉग हूं, कुत्ता हूं, डाउट हुआ तो अंदर जाऊंगा,
पर कोई भी तरीके से बराबर मैं ऐसा काम नहीं करूंगा कि मैं मैनेजमेंट को डिफेम करूं या ऐसा कुछ करूं। और इट इज अ वॉच डॉग ब्लड हाउंड, मैं उधर मर्डर करने नहीं आया, मैं उस मन से नहीं जाता कि भाई इधर फ्रॉड हुआ ही है। ओके, देयर आर लिमिटेशन ऑन ऑडिटर्स एबिलिटी, ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। ओके, एंड व्हेन फ्रॉड इज डन वी विल नॉट गेट ऑल एविडेंस, जानबूझ के वो छुपाएंगे, और उसमें टॉप लेवल का फ्रॉड है तो बिल्कुल छुपाएंगे। ओके, उसी से एक और पॉइंट है, नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखो, इन्वेस्टिगेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विद स्पेसिफिक पर्पस। परचेज में फ्रॉड हुआ है, क्रेडिटर में फ्रॉड हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन है, वो ऑडिट नहीं है, वो अलग है। इन्वेस्टिगेशन इज डन विद क्रिटिकल पर्पस, कोई पर्पस के लिए होता है। ऑडिट अलग है, ऑडिट का काम है रीजनेबल एश्योरेंस देना। जब ऑडिट करने जाता हूं, ये एज्यूम करता हूं सब सही है, तो इनका ऑडिट इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर कैन नॉट ऑब्टेन एब्सोल्यूट एश्योरेंस एनी टाइम दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बिकॉज मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, सर्च नहीं कर रहा, सीजर नहीं कर रहा, इनकम टैक्स की रेड नहीं कर रहा, डैश कर रहा हूं ऑडिट आगे। नेक्स्ट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर अ टाइम। बहुत प्यारा पॉइंट है। बोलो, आज डेडलाइन का प्रेशर बहुत होता है, रिलायंस का रिपोर्ट 15 अप्रैल तक रेडी होता है, 20 अप्रैल तक रेडी होता है। ओके, तो टाइमलीनेस, आज हमें काम फास्ट करना है कि स्लो? नंबर वन, डेडलाइन का प्रेशर है तो आपको काम फास्ट करना है। फास्ट काम के लिए डेटा ज्यादा लगेगा कि कम? सर डेटा तो बहुत लगेगा, बहुत डेटा जल्दी चाहिए तो कॉस्ट भी क्या होगा? ज्यादा। और आप ज्यादा कॉस्ट लगाओगे तो आपका जो एंगेजमेंट है, ऑडिट एंगेजमेंट, वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। एक बाजू आपको काम जल्दी करना है, जल्दी करने के लिए ज्यादा रिसोर्स लगेंगे, ज्यादा रिसोर्स के लिए ज्यादा खर्चा लगेगा, ज्यादा खर्चा किया तो ऑडिट लॉस में हो जाएगा। क्यों 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 क्यों? अरे यार, आपका ऑडिट का बजट भी लिमिटेड है ना, आपको फीस को ऐसा नहीं हो रहा कि बहुत ज्यादा मिल रही है। ओके, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं ऑडिट के टाइमलीनेस पे ध्यान दूं कि कॉस्ट को कंट्रोल करूं, दोनों के बीच में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, ये जवानी है दीवानी, दुनिया में ये समय वापस नहीं आएगा, ये बेस्ट है जो आप इंजॉय कर लो, कुछ भी गलत मत करो। बट ऑन द अदर साइड, ओके, आपने हमें सीए कोर्स में डाल दिया, आपने हमें सीएमए कोर्स में डाल दिया, आपने हमें सीएस कोर्स में डाल दिया, तो समझ में नहीं आ रहा है इंजॉय करे कि पढ़े। तो कभी कभी क्या होता है, आप ना ही इंजॉय करते हो ना ही पढ़ते हो, दोनों के बीच में रह जाते हो। तो वही लिखा है, एक बाजू टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, डेडलाइन का प्रेशर है, मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कम टाइम में, उसके लिए ज्यादा रिसोर्स लगेंगे। और दूसरी बाजू क्या प्रॉब्लम है, दूसरी बाजू क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन कम टाइम पे लूंगा तो कॉस्ट ज्यादा होगा, तो मेरा ऑडिट प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो दोनों का बैलेंस रखना डिफिकल्ट है, वो लिमिटेशन है। बैलेंस का मतलब, एक बाजू आपको ऑडिट को भी प्रॉफिटेबल करना है, दूसरी बाजू आपको डेडलाइन में काम भी करना है, तो दोनों का सही बैलेंस होना चाहिए। वही लिखा, वी वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन अर्ली टू गेट मोर बेनिफिट, बट इट में इन्वॉल्व क्या लिखा है, मोर कॉस्ट विच वी आर नॉट रेडी टू इनकर, सो देर शुड बी बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट एंड कंप्लीटिंग ऑडिट ऑन टाइम। क्लियर है? यस सर। अब देखो, इसको मस्त लर्न करेंगे आप। ओके, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट बताइए क्या है, क्या है लिमिटेशन ऑफ ऑडिट? ऑडिटर की फटी या फैटी? ऑडिटर फैटी है, ऑडिटर फैटी है, ऑडिटर फैटी है, तो ये लिमिटेशंस है। इसकी वजह से कभी भी मैं कंप्लीट एश्योरेंस नहीं दूंगा, रीजनेबल ही दूंगा। बहुत सिंपल है। एफ, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्यूचर इवेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्यूचर इवेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्यूचर इवेंट। ए, नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। आई, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आई तो आपको लर्न है, इतना लर्न कर लो। बोलो, व्हाट आर लिमिटेशन इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट? ऑडिटर फैटी है, बराबर। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्यूचर इवेंट, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फ्यूचर इवेंट। ए, नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर, नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर, टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। आई, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मस्त पढ़ लो।
क्लियर है? चलो 1 2 3 स्टार्ट, जल्दी बताइए। थोड़ा लिमिटेशंस इन ऑडिट, ऑडिटर फैटी है, बोलो तो क्या है? नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर, ओके। एक और एफ बोलो, फ्यूचर इवेंट। ए नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर, टी टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, आई नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है? ओके, अब इधर आ जाइए वापिस। तो मैं रीजनेबल एश्योरेंस क्यों देता हूं? बिकॉज ऑडिट में कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए कभी भी कंप्लीट एश्योरेंस पॉसिबल ही नहीं है। दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल गलतियां नहीं है। पहले मिसस्टेटमेंट क्या होता है ये समझिए आप, इधर आ जाइए। What is the meaning of word misstatement? एकदम ध्यान से सुनना। Misstatement is the difference between cap, आपको टोपी पहननी है, classification, amount, presentation and disclosure. एक और बार बोलो, classification, amount, presentation and disclosure of a reported financial statement item. And एक और टोपी पहनो, cap, classification, amount, presentation and disclosure required as per FRF, financial reporting framework. सर मतलब कुछ खास समझ में नहीं आया, समझा देता हूं। देखो मिसस्टेटमेंट डिफरेंस है, ओके, बिटवीन कैप, क्लासिफिकेशन, अमाउंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। होना ऐसा चाहिए, ओके, ऑफ अ रिपोर्टेड आइटम, सॉरी आपने ऐसा किया है बट होना ऐसा चाहिए, डिफरेंस सिंपल। आपकी भाषा में दूसरा एग्जांपल लूंगा, आपने आंसर ऐसा लिखा है बट आरटीपी के मुताबिक या आईसीआई के मुताबिक ऐसा आंसर होना चाहिए। तो इन दोनों डिफरेंस को हम अंग्रेजी में कहते हैं मिस स्टेटमेंट। तो मिस स्टेटमेंट इज डिफरेंस बिटवीन कैप, क्लासिफिकेशन, अमाउंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम। एंड इस साइड आओ, क्लासिफिकेशन, अमाउंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड एज पर एफआरएफ, मतलब आरटीपी के मुताबिक ऐसा आंसर चाहिए पर आपने ऐसा दिया है, डिफरेंस को मिस स्टेटमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशन, आपने स्क्रैप सेल को नॉर्मल सेल में डाल दिया। देखो इससे सेल्स नहीं बदला, टोटल सेल्स तो सेम ही है पर पूरा मीनिंग बदल गया। जो स्क्रैप सेल है लोगों को लगा कि सेल्स 100 से 800 करोड़ हो गया बट वो एक्चुअली 800 नहीं है, 700 करोड़ तो स्क्रैप सेल है। आपने क्लासिफिकेशन गलत किया है। क्या गलत किया है? क्लास लोगों को लगा कि कंपनी का रेवेन्यू 800% बढ़ा है, जो गलत है, ओके? तो क्लासिफिकेशन। दूसरा एग्जाम्पल, करंट नॉन करंट, आप इन्वेस्टमेंट इसी साल बेचने वाले थे, आपने नॉन करंट में क्लासिफाई कर दिया, इससे करंट रेशियो का मीनिंग बदल गया, समझ में आया? अमाउंट पे आ जाइए, कभी कभी अमाउंट में आप मिस्टेक करते हो, आपका 1000 करोड़ का सेल था, एक जीरो ऐड कर दिया, 10,000 करोड़, बहुत बड़ी गलती हो गई ना भाई। परचेज आपने कम कर दिए ताकि प्रॉफिट बढ़े, तो क्लियर ये भी गलती है। प्रेजेंटेशन, डेटर्स आपने ग्रॉस दिखाया और प्रोविजन सामने दिखाया, गलत, नेट डेटर्स दिखाना है। देखो मीनिंग चेंज नहीं होता बट लोगों का इंटरप्रिटेशन चेंज होता है। प्रेजेंटेशन, या आपने डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस अलग नहीं दिखाया, एक कंपनी बंद होने वाली है, AS24 के मुताबिक जो सेगमेंट बंद होने वाला है उसको अलग से दिखाओ, प्रेजेंटेशन। ये सब मिसस्टेटमेंट है। गलतियां कितने प्रकार से हो सकती है? 4, क्लासिफिकेशन, अमाउंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सर डिस्क्लोजर, आपने कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंपनी के ऊपर 4 केस चल रहे वो दिखाया ही नहीं, मिसस्टेटमेंट बोलेंगे, बराबर? जाने में हुआ है कि अनजाने में, अनदेखी अनजानी सी, बेपगली सी दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। अगर अनदेखी गलती है तो उसको एरर बोलेंगे, अगर जानबूझ के गलती की है, ए दोस्त, ए विदोस्त, ए फ्रॉड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रॉड बोलेंगे। क्लियर है? ओके। डिस्क्लोजर, प्रमोटर का स्टेक बेचा है आपने दिखाया नहीं, रिलेटेड पार्टी आपने नहीं दिखाई, ओके, ये फ्रॉड होता है, ये सब भी फ्रॉड होता है। रिपोर्टेड, तो 4 तरीके से गलती हो सकती है, लर्न ना हो तो चलेगा। मिसस्टेटमेंट इज डिफरेंस बिटवीन कैप, क्लासिफिकेशन, अमाउंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम। एंड एक और टॉपिक पहनो, क्लासिफिकेशन, अमाउंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड एज पर FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आगे बढ़ेंगे तो अब वापिस इधर आ जाइए, जिधर थे उधर। नंबर वन, हमें रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल गलतियां। थोड़ी बहुत गलतियां है तो चलेगा बट वो मटेरियल नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे व्हाट इज मटेरियल? एनीथिंग जो मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे, ओके? अभी के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सेल्स का 0.5 से 1% होता है। कुछ नहीं आ रहा, सेल 100 करोड़ है
तो अब उसका 1% कितना होता है, 1 करोड़। तो 1 करोड़ मटीरियल, अगर 1 करोड़ के ऊपर की गलती है तो ही मैं उसको मटेरियल गलती मानूंगा, उसके नीचे की गलती होती रहती है। लाइफ में थोड़ा बहुत तो गलत होता है सेनोरिटा, बराबर। तो मुझे देखना है मटेरियल गलती ना हो। नंबर वन, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल गलतियां, मुझे रीजनेबल अश्योरेंस लेना है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल गलती नहीं है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर एसए, बराबर। मुझे क्या करना है, रिपोर्ट भी करना है और कम्युनिकेट करना है एज पर एसए। व्हाट इज एसए गाइस? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, क्लियर है? ओके, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, बहुत सिंपल है। ओके, अब मुझे एश्योरेंस मिल गया, अब आचार थोड़ी डालूंगा, अश्योरेंस को रिपोर्ट करूंगा। रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेशन एज पर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स है, ओके, उसके अकॉर्डिंग मैं रिपोर्ट दूंगा। कितने रिपोर्ट है भारत देश में आपको नहीं पता तो? 4। अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड डिस्क्लेमर एडवर्स, अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड डिस्क्लेमर एडवर्स, इसको ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ओके, ये रहा। ओके, स्टार्ट। 1, 2, 3। व्हाट इज अनक्वालिफाइड का दूसरा मतलब है क्लीन रिपोर्ट, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलतियां नहीं हो, या गलतियां हैं बट वो इमटीरियल है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? बिना पढ़ा लिखा। बट दूसरा मतलब क्वालिफाइड का होता है कंडीशनल, इधर अनकंडीशनल प्यार, बराबर। अनकंडीशनल रिपोर्ट, क्लीन रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। व्हाट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोसीजर, जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए, जैसे भारत में शेड्यूल 3, क्लियर है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोसीजर। इंडिया में क्या है वो रूल्स? शेड्यूल 3 है, आपको ये फॉलो करना है। तो मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर सही है, गलतियां है ही नहीं, है तो भी कौन सी गलतियां हैं? गलतियां हैं, इमटीरियल है, तो मैं क्लीन रिपोर्ट दूंगा। आगे आ जाइए, मुझे लग रहा है गलतियां मटीरियल है बट परवेजिव नहीं, एक और बार सुनो क्या, गलतियां अगर मटीरियल है बट परवेजिव नहीं तो क्वालिफाइड आएगा। व्हाट इज मटीरियल? अरे एक आध एरिया में गलती है, डेटर्स में गलती है, ओके, करंट लायबिलिटी में गलती है, बट वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फैली नहीं हुई, बराबर। अस्त्र शस्त्र सर्वस्त्र, हर जगह गलती नहीं है, तो कौन सा आएगा? क्वालिफाइड, दे आर मटेरियल बट दे आर नॉट परवेसिव। व्हाट्स परवेसिव? इफेक्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1 अकाउंट ओनली, या इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मोर देन 1 अकाउंट, बराबर। ओके, ओवरऑल देखो एग्जाम्पल, पानी इतना सा गंदा है तो क्वालिफाइड होगा, इतना गंदा है तो, पूरा ही गंदा है तो क्या होगा? पूरा ही गंदा है तो एडवर्स होगा। अगर मेरी गलतियां मटेरियल और परवेसिव दोनों हैं तो एडवर्स रिपोर्ट आएगा, बराबर। ये पूरा ही पानी ऑरेंज कलर का हो गया तो एडवर्स रिपोर्ट आएगा, खाली इतना हुआ तो इतना क्वालिफाइड आएगा, क्लियर है? ओके, आगे डिस्क्लेमर क्या है? मैं ऑडिट करने गया, देखो एडवर्स का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, सब में गलतियां है, अस्त्र शस्त्र सर्वस्त्र, तो मिसस्टेटमेंट्स आर बोथ मटेरियल एंड परवेसिव, तो एडवर्स रिपोर्ट आएगा, क्लियर है? लास्ट पे आ जाइए, डिस्क्लेमर का मतलब क्या होता है? मैं ओपिनियन दे ही ना सका, मैं ऑडिट तो करने गया था, मुझे एविडेंस ही ना मिला, और मुझे लग रहा है गलतियां मटेरियल और परवेसिव हो सकती है। मैं गया तो बोले बुक्स इनकम टैक्स के पास है, बाद में गया बुक्स जीएसटी के पास है, किसी और, मैं ऑडिट ही ना कर सका। तो अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा गलतियां है, पर मैं बोलूंगा हो सकती है, तो कौन सा रिपोर्ट आएगा? मटेरियल एंड परवेसिव। सर मेरा लास्ट डाउट, एकाद एरिया में एविडेंस नहीं मिला तो क्वालिफाइड, क्यों? गलतियां मटीरियल और परवेज, मटीरियल हो सकती है बट परवेसिव नहीं, एक ही एरिया तो गलत है। जब आपको लगे गलतियां मटीरियल हो सकती है बट परवेसिव नहीं तो क्वालिफाइड, और लग रहा है गलतियां मटेरियल और परवेसिव दोनों होगी तो डिस्क्लेमर। बहुत लोगों को क्या लगता है, जब एविडेंस ना मिले ना डिस्क्लेमर ही आएगा, ना 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 ना, रॉन्ग। एकाद एरिया में ही ना मिले तो कौन सा रिपोर्ट आएगा? बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, क्वालिफाइड आएगा, बराबर। पर अगर आपको लग रहा है आपको एविडेंस नहीं मिल रहा, उससे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, या गलतियां मटेरियल और परवेसिव हो सकती है, तो डिस्क्लेमर आएगा। ओके, सब कुछ परफेक्ट है तो अनक्वालिफाइड, एक आध जगह पे गलती है क्वालिफाइड, एक आध जगह पे गलती हो सकती है एविडेंस नहीं मिल रहा तो भी क्वालिफाइड आएगा। ओके, गलतियां एविडेंस नहीं मिला, गलतियां मटेरियल और परवेसिव हो सकती है, डिस्क्लेमर है, गलतियां मटेरियल एंड परवेसिव, एडवर्स।
ताबड़तोड़ क्लियर है, बराबर। तो बोलो मेरे दो ऑब्जेक्टिव है, नंबर वन टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और दूसरा टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज पर एसए। क्लियर है, अब इजी है सब कुछ। नंबर वन, ऑडिटर को इतनी बातें ध्यान में रखनी है टू एंश्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना हो, बराबर। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीड ना करे उसके लिए मैं क्या बातें ध्यान में रखूं, इतनी। नंबर वन, एंट्री और स्टेटमेंट दो वर्ड याद रखने हैं, बोलो कौन से दो वर्ड, एंट्री और स्टेटमेंट। पहला, अकाउंट्स आर एज पर एंट्री फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरे अकाउंट्स एंट्री के मुताबिक है। ऑल एंट्रीज आर सपोर्टेड, देखो बहुत सिंपल है। ऑडिटर शुड एंश्योर फॉलोइंग पॉइंट्स टू एंश्योर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना हो, तो मैं क्या चेक करूंगा, एंट्री और स्टेटमेंट। अकाउंट्स आर एज पर द एंट्री फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरे जो अकाउंट्स है वो एंट्री के मुताबिक है। पहले ट्रांजेक्शन होगा, उसके बाद एंट्री होगी, एंट्री के बाद पोस्टिंग होगा, पोस्टिंग के बाद क्या होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अकाउंट्स आर एज पर एंट्री फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो मेरे अकाउंट्स है वो एंट्री के मुताबिक है। All entries are supported by sufficient and appropriate audit evidence. अब आप बोलोगे what is sufficient? Quantity, appropriate quality. Example लेता हूं, एक sales है, तो sales के पीछे सामने वाले का purchase order भी है, बराबर। हमने quotation भेजा था, उसका purchase order है, सामने invoice है, इतना evidence है, तो sufficient evidence है कि sale हुआ है। Lorry received भी है, sufficient है। अब अगर rate भी match हो रहा है, ओके, परचेज ऑर्डर का रेट, इनवॉइस का रेट, कॉन्ट्रैक्ट का रेट मैच हो रहा है, तो मैं बोलूंगा क्वालिटी भी सही है। तो बोलो एविडेंस कैसा होना चाहिए, क्वांटिटी की क्वालिटी दोनों, डिटेल में आगे आएगा। ओके, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। थर्ड, नन ऑफ द एंट्रीज आर ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। बहुत बार क्या होता है, मैं सेल्स की एंट्री को, मैं परचेज को ओमिट करता हूं ताकि मेरा अब प्रॉफिट ज्यादा दिखे। None of the entries are omitted and nothing which is not in the books has found its place in financial statement. कभी कभी डमी सेल एंटर करता हूं, बुक्स में नहीं है बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लास्ट दिन पे ऐड करता हूं, तो ना कुछ छूटा ना कुछ झूठा, कुछ छूटा भी नहीं डालूंगा और कुछ झूठा भी नहीं डालूंगा, बराबर। तो none of the entries are omitted, यूजुअली मैं परचेस को ओमिट करता हूं, अगले साल ले जाता हूं। नथिंग विच इज नॉट इन द बुक्स हैज फाउंड इट्स प्लेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ झूठा भी मैंने नहीं डाला, मतलब सेल। तो तीन पॉइंट हो गए एंट्री के। अब इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक क्लियर व्यू देना चाहिए। नेक्स्ट, अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रॉपरली क्लासिफाइड डिस्क्राइब डिस्क्लोज, क्लासिफाइड डिस्क्राइब और डिस्क्लोज एज पर AS होना चाहिए। अब आप बोलोगे व्हाट इज AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, जैसे रिलेटेड पार्टी के मुताबिक। क्लासिफाइड डिस्क्राइब, हर एंट्री का नरेशन होना चाहिए, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो AS 18 में है वो फुलफिल होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू, क्यों ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं होगा, बराबर, बिकॉज लिमिटेशन है ऑडिट में। देखो चार सवालों के एक जवाब है, मैं हमेशा रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं, मैं कभी भी ट्रू एंड करेक्ट व्यू नहीं देता, बराबर। उसके बाद ऑडिट रिस्क कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्यों, लिमिटेशंस है। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर पिक्चर किसका, ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इसको आप मस्त पढ़ लो, तीन तीन करके पढ़ते हैं, हो जाएगा। बोलो क्या क्या देखना पड़ेगा कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग ना हो, तीन पॉइंट। अकाउंट्स आर ड्रॉन अप एज पर एंट्री फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मेरे अकाउंट्स एंट्री के मुताबिक है। अकाउंट्स आर एज पर एंट्री फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑल एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नन ऑफ द एंट्रीज आर ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। नथिंग विच इज नॉट इन बुक्स हैज फाउंड इट्स प्लेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले तीन पॉइंट लर्न कर लो। क्लियर है, बोलेंगे 1 2 3 स्टार्ट। बोलो क्या क्या देखना है कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंट्री, ओके, अकाउंट्स आर एज पर द एंट्री फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑल एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। नन ऑफ द एंट्रीज आर ओमिटेड एंड नथिंग विच इज नॉट इन बुक्स हैज फाउंड इट्स प्लेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तीन पॉइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ओके, इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस। Amount in financial statement is properly classified, described, disclosed as per AS. Last,
स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज. कितना सिंपल है. आखिरी बार बोलो, इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज. लास्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज. मस्त पढ़ लो. क्लियर बोलो. इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय स्टेटमेंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस. अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रॉपरली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब्ड, डिस्क्लोज्ड एज पर AS. लास्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट्स एंड असेट्स एंड लायबिलिटीज. क्लियर. एक बार आखिरी पूरा बोलना है तो बोल लेते. बोलो, अकाउंट्स आर एज पर एंट्री फ्रॉम बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सेकंड, ऑल एंट्रीज आर सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. थर्ड, नन ऑफ द एंट्रीज आर ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन. नथिंग व्हिच इज नॉट इन बुक्स हैज फाउंड इट्स प्लेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Information conveyed by statement is clear and unambiguous. Amount in financial statement is properly classified, described, disclosed. Last, statement of account show true and fair view of operational results and assets and liabilities. Next, scope of audit. Kya check karu, kya check na karu? Bolo na, number one. रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. आपको क्या चेक करना है? इन्फॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड सोर्स डेटा इज रिलायबल एंड सफिशियंट. कैसे चेक करोगे? ओके, सिंपल. मेक अ स्टडी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. सेकंड, टेस्ट इंक्वायरी एंड अदर प्रोसीजर. आपको चेक करना है रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सोर्स डेटा. व्हाट इज सोर्स डेटा? वाउचर, जिसके आधार पर रिकॉर्ड्स बनते हैं. ओके, तो क्या वो रिलायबल और सफिशियंट है? रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड सोर्स डेटा ऑडिटर असेसेस बाय स्टडिंग अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल. देखो, कोई भी बड़ी कंपनी में डायरेक्ट ऑडिट नहीं होता. पहले सिस्टम को समझो. जितने इंटरनल कंट्रोल अच्छे, जितनी सिस्टम अच्छी, उतना सब्सटेंटिव ऑडिट कम होगा. वही लिखा. नंबर वन, अकाउंटिंग सिस्टम को देखो. अगर वो स्ट्रांग है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, टेस्ट इंक्वायरी और अदर प्रोसीजर कम होंगे. अगर इंटरनल कंट्रोल थर्ड क्लास है, कंपनी में कुछ भी ढंग का नहीं है, पेरोल के कंट्रोल बकवास है, तो फिर अदर प्रोसीजर ज्यादा होंगे. वही तो लिखा है. ओके, तो नंबर वन, अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, कैरिंग आउट टेस्ट इंक्वायरी, अदर प्रोसीजर, जो किस पे डिपेंडेंट है? इंटरनल कंट्रोल पे. ओके, सेकंड, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेवेंट है वो चेक करूंगा. कंपनी में एम्प्लॉय टाइम पे आया, उसमें उसका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता. दूसरा, अरे कंपनी में फिक्स्ड एसेट बराबर यूज नहीं हो रही, मुझे उससे कंसर्न नहीं है. आई एम कंसर्न विद एवरीथिंग विच अफेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एंटिटी रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्लियर है? एग्जाम्पल, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, ये चीज है. लास्ट, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. जो जो डिस्क्लोजर्स है वो मैंने बराबर इंक्लूड किए है. जो मैनेजमेंट ने जजमेंट्स लिए है वो बराबर है. अकाउंटिंग पॉलिसीज बराबर है. ओके, वही लिखा है. इट इज डन बाय एंश्योरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली समराइज इवेंट एंड ट्रांजेक्शन एंड जजमेंट्स मैनेजमेंट इज मेड. यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. सेकेंड, ऑडिटर ये भी चेक करेगा अकाउंटिंग पॉलिसीज बराबर है या तो बोलो क्या क्या मेरे स्कोप में आता है. रैप चेक करना. क्या चेक करना? रैप चेक करना. रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ए, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पी, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. सिंपल है ना? नहीं लर्न करना तो भी हो रहा है. बोलो, स्कोप ऑफ ऑडिट क्या करूं या ना करूं, ये कैसी मुश्किल आई बताइए. स्कोप में क्या आएगा? रैप रैप रैप. रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ए ए ए ए ए, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पी, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. आखिरी बार बोलो, रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. Coverage of all aspect of entity, A for all aspect, relevant to financial statement. P, proper disclosure of financial information. बराबर, एक बार learn कर लो.
चलो शैल वी गो अहेड. यस सर. ओके देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे. क्या लिखा है स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आएगा? रैप रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. अब इधर आ जाइए. ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू ड्यूटी विच फॉल आउटसाइड हिज कॉम्पिटेंस. मैं वही काम करूंगा जो मेरे कॉम्पिटेंस में आता है, वो काम नहीं. जैसे अगर कोई स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री है, गैस वाली इन्वेंट्री है, कोल माइंस है, उनका वैल्यूएशन मुझे नहीं आता तो मैं एक्सपर्ट को अपॉइंट करूंगा. ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. सिग्नेचर बराबर है, डेट का एनर, अरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में एक्सपर्ट नहीं हूं ऑथेंटिकेशन में. ओके ऑडिटर इज नॉट एलेज्ड, वही ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन अलग है. He doesn't have powers of search seizure. मेरा काम ऑडिट करना है, मैं उस मन से जाता हूं कि सब सही है. ओके सर आगे आ जाइए. कौन से ऑडिट कंपल्सरी है? ओके खाली एक बार पढ़ना है. कंपनीज एक्ट के मुताबिक कंपल्सरी है, बैंकिंग कंपनीज को कंपल्सरी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कंपल्सरी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकॉज मेंबर का भला करना है, पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेसिफाइड एंटिटीज अंडर इनकम टैक्स एक्ट अगर टर्नओवर एक लिमिट के ऊपर जाए. बराबर किसको वॉलंटरी है? बहुत सिंपल, छोटे से लेके बड़े. प्रोप्राइटर पार्टनरशिप HUF. एक और बार प्रोप्राइटर पार्टनरशिप HUF को वॉलंटरी है. क्लियर है? आगे बढ़ेंगे. एडवांटेज बताइए ऑडिट के. बोलो क्या एडवांटेज होते हैं ऑडिट के? बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन लर्न कर लेंगे, बहुत आसान है. पहले पढ़ लेते हैं. Audit gives high quality information. It gives confidence to user. Information on which he is relying is qualitative. बराबर. अरे यार audited accounts होंगे तो कोई भी user का भरोसा बढ़ेगा, मैं इस company में invest कर सकता हूँ. क्यों? Auditor साहब ने बोला है कि सही gross profit है. Auditor साहब ने बोला है net profit सही है. तो audited statement provide high quality information. It gives confidence to all stakeholder. Information on which he is relying is qualitative because audit हुआ है. Second, it safeguards the interest of people who are not doing management. मैं तो एक shareholder हूँ, मैं पान का गल्ला चला रहा हूँ, मैं एक नाई हूँ, मैं एक धोबी हूँ, तो भी मेरा interest protected है. मुझे पता है कि भाई मैं दूर हूँ but मेरी नजर auditor में है, मेरा भरोसा तुझ पे है. देखो safeguards the interest who are not owner, that is shareholder. आगे acts as a moral check on employee doing fraud or defalcation. एम्प्लॉय फ्रॉड करता है, किसी का डर होना हो उसको ऑडिटर का डर जरूर है कि साल में एक साल के एंड में एक मसीहा आएगा जो शायद मेरा फ्रॉड पकड़ लेगा. क्लियर है? आगे ऑडिटेड स्टेटमेंट आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन गवर्नमेंट अथॉरिटी सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस. कंपनी को जानना है उनका टैक्स कितना है. ओके तो गवर्नमेंट को भी जानना है कंपनी बराबर टैक्स भर रही है, इसलिए टैक्स ऑडिट होता है. एक लिमिट के बियॉन्ड आपका टर्नओवर है, भारत में टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है. ओके तो ऑडिटेड स्टेटमेंट आर ऑफ ग्रेट हेल्प गवर्नमेंट अथॉरिटी को समझ में आएगा टैक्स ऑडिट हुआ है तो बराबर टैक्स ही भरा होगा. आगे ऑडिटेड स्टेटमेंट आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू लेंडर बैंकर्स टू डिसाइड वेदर टू गिव लोन और नॉट. बड़ी बड़ी बैंक क्या है, जैसे ही आप जाओ ना सर लोन चाहिए, ऑडिटेड स्टेटमेंट दिखाओ. सर वो तो नहीं है, तो नहीं मिलेगा. 3 साल के ऑडिटेड स्टेटमेंट क्यों? उनको पता है इधर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, नेट प्रॉफिट लिखा है, वो सही ही होगा, इसके आधार पे मैं लोन दे सकता हूं बिकॉज ऑडिटर ने थप्पा मारा है. ओके नेक्स्ट ऑडिट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर फ्रॉड. ठीक है भाई. ऑडिटर रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड रिपोर्ट्स वीकनेस इन द सेम. देखो दो चीजें, एग्जिस्ट का मतलब कंट्रोल है, ऑपरेट का मतलब क्या ऑपरेट कर रहा है. कभी कभी आप क्लास में होते हो बट पढ़ते नहीं है, क्या जरूरी है होना कि पढ़ना, दोनों एग्जिस्ट एंड ऑपरेट, एग्जिस्ट एंड ऑपरेट. क्लियर है? तो सेम एग्जांपल, ऑल इनवॉइस अबव 50,000 विल बी साइंड बाय परचेस मैनेजर. ये एग्जिस्ट तो है बट जेन्युइनली साइन हो रहा है, उसको ऑपरेटिंग इफेक्टिवली बोलेंगे. परफेक्ट. अब इसको लर्न कर लेंगे. बोलो एडवांटेज, बोलो ऑडिट का क्या है. 1, 2 दो पॉइंट करके. ऑडिट audited accounts provide high quality information. It gives confidence to user. Information on which is relying is qualitative. Okay. Second, it safeguards the interest of person who are not associated with management. Shareholder. Barabar. So, 2 points learn ho gaye. Audited statement provide high quality information. Safeguard interest of people who are not associated with management. That is con. Shareholder. Learn kar lo. Easy hai. क्लियर है? बोलो ऑडिटेड स्टेटमेंट गिव हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट.
Third, acts as a moral check on employee doing fraud or defalcation. Audit acts as a moral check on employee doing fraud defalcation. 3 point learn kar lo. Bahut simple hai. Audited statement give high quality information. It gives confidence to user. Information on which he is relying is qualitative. Second, it safeguards financial interest of people who are not associated with management. Shareholder acts as a moral check on employee doing fraud or defalcation. 3 point padh. 5 second ka break. चलो क्लियर बताइए. ऑडिटेड स्टेटमेंट गिव हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन. इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू यूजर. इंफॉर्मेशन ऑन विच इज रिलाइंग इज क्वालिटेटिव. इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ पीपल हु आर एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. थर्ड, इट एक्ट्स एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय डूइंग फ्रॉड और डिफाल्केशन. अब 3 पॉइंट और है. ओके, ऑडिटेड स्टेटमेंट हेल्प गवर्नमेंट अथॉरिटी इन सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस टैक्स ऑडिट की वजह से. Second, audited statement are of great help to bankers in giving the loan. Banker help the banker to decide whether to give loan or not. So number one, government authority. Number two, bank. Government authority, bank. Government authority, bank. Yaad rahega. Last, detection of fraud, control. Fraud, control. Fraud, control. Fraud, control. Khatam ho gaya. नहीं पढ़ना तो भी हो गया. धीरे धीरे. ऑडिटेड स्टेटमेंट गिव हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन. इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू यूजर. इंफॉर्मेशन ऑन विच इज रिलाइंग इज क्वालिटेटिव. सेकंड, ओके, इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ पीपल हु आर नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट दैट इज शेयर होल्डर. एक्ट्स एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय डूइंग फ्रॉड और डिफॉल्केशन. अब ऑडिटेड स्टेटमेंट आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन गवर्नमेंट अथॉरिटी टू गवर्नमेंट अथॉरिटी इन सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस. ओके, ऑडिटेड स्टेटमेंट आर ऑफ ग्रेट हेल्प टू बैंकर इन डिसाइडिंग वेदर टू गिव लोन और नॉट. लास्ट दो, ऑडिट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग एरर एंड फ्रॉड. ये तो क्लियर है. लास्ट, ऑडिटर रिव्यूज एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल. एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड रिपोर्ट्स वीकनेस इन द सेम. रिपोर्ट्स वीकनेस इन द सेम. मस्त पढ़ लो. एक आखिरी बार पढ़ना है तो पढ़ लो. आई थिंक इजी है. मेरे मुताबिक तो बहुत इजी है. इतना इजी आज तक ना हो सका. भाई कमेंट वमेंट लिख दो. आपको फायदा वायदा कुछ हो रहा है इस सीरीज से? कोई आपको बेनिफिट हो रहा है? लाइक कर दीजिए एक बार. बारिश बरसा दो लाइक की. भाई क्या कर क्या रहे हो आप? जल्दी जल्दी बता दो. चलिए आगे बोलेंगे. व्हाट आर एडवांटेज ऑफ ऑडिट? जल्दी बताइए. ऑडिट गिव्स हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन. इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू यूजर. इंफॉर्मेशन ऑन विच इज रिलाइंग इज क्वालिटेटिव. इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ पीपल हु आर नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट. थर्ड, एक्ट्स एज अ मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय डूइंग फ्रॉड और डिफाल्केशन. हेल्प्स इन सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस. Great help to banker to decide whether to give loan or not. Detecting error and fraud. Existence and operation of control and reports weakness in the same. Last question की ओर आते हैं. बहुत easy है. Okay, एक second में हो जाएगा. ये रहा आपके समक्ष. Okay, इसी के साथ chapter complete होगा दोस्तों. बहुत ही easy है. ये रहा आपके सामने. देखिए, एकदम ध्यान से सुनना आप. सुन लेना. सुन ही लेना मेरी बात. देखो, कुछ लोग हैं, जैसे नंबर वन लोग कौन है बोलो? मैनेजमेंट है. तो मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोलेंगे. मैनेजमेंट क्या करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है एज पर FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. अब जैसे ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, किसके लिए? इंटेंडेड यूजर, शेयर होल्डर, डेटर, क्रेडिटर, ऑडिटर, पार्टनर, ट्रांसपोर्टर, बैंकर, इन सब के लिए बनाता है. वापिस एक बार, कौन बनाता है बोलो? मैनेजमेंट. कौन है मैनेजमेंट? रिस्पॉन्सिबल पार्टी. क्या बनाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कैसे बनाता है? एज पर FRF. आप बोलोगे किसके लिए बनाता है? यूजर्स के लिए. किसके लिए? यूजर के लिए. अब मैनेजमेंट को किसी का साथ और सहयोग चाहिए.
उसको IFRS नहीं आते, INDAS नहीं आते, तो वो अपूर्वा को अपॉइंट करते हैं। अपूर्वा तू हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करेगी? अपूर्वा बोले मैं तो CA हूं, मैं तो ऑडिट करती हूं। ऐसा नहीं होता अपूर्वा, कुछ CA मैनेजमेंट को हेल्प भी करते हैं। ओ मैं करूंगी, आप मुझे सैलरी दोगे? हाँ, या असाइनमेंट वाइज देंगे? ठीक है, तो हमने अपूर्वा को रख लिया, उसको बोलेंगे रिलेटेड सर्विस देना। देखो बहुत सारे चार्टर अकाउंटेंट, ओके, देखो दो प्रकार की सर्विस है, एश्योरेंस नॉन एश्योरेंस। ये जो हो रहा है ना वो नॉन एश्योरेंस, रिलेटेड सर्विस देना, इसके ऊपर SRS लगता है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। बोलो क्या लगता है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, जैसे 4000 से 4699 के बीच में ये है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है CA फाइनल में। एक और बार सुन लो, हमने अपूर्वा को बोला, अपूर्वा तू हमें हेल्प करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में? अपूर्वा ने बोला हाँ, उसमें क्या है? तो अपूर्वा जो सर्विस दे रही है वो ऑडिट सर्विस नहीं है। देखो दो प्रकार की सर्विस है, एश्योरेंस नॉन अश्योरेंस। अश्योरेंस इज व्हाट? इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर। नॉन एश्योरेंस का मतलब रिलेटेड सर्विस, टैक्स रिप्रेजेंटेशन में क्लाइंट को हेल्प करना, बराबर क्लाइंट का केस चल रहा है आप साथ में गए टैक्स रिप्रेजेंटेशन, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करना, क्लाइंट को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगाने में हेल्प करना, ऐसे काफी काम है। वो नॉन एश्योरेंस है, रिलेटेड सर्विस है, वो काम बराबर हो इसलिए SRS लगता है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस, जो फाइनल में आएगा 4000 से 4699। इसका इंट्रो हमारे सिलेबस में है, आगे आ जाइए। अब मैं बोलता हूं प्राजक्ता तू ऑडिट करेगी, तो हमने बोला अपूर्वा क्यों ऑडिट नहीं करेगी? अरे अपूर्वा तो मैनेजमेंट को हेल्प कर रही है, वही बनाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही ऑडिट करे, तो गलती कैसे निकलेगी? सोचो ना, आप ही पेपर लिखो, आप ही चेक करो, टू मच फन, ओके? तो सेम वे प्राजक्ता क्या चेक करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF के मुताबिक है कि नहीं, बराबर। तो अब प्राजक्ता अश्योरेंस दे रही है, क्या दे रही है? अश्योरेंस, तो वो अश्योरेंस की कैटेगरी में आएगी। वापिस एक बार बताऊं, कौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है? मैनेजमेंट। किसके लिए? इंटेंडेड यूजर के लिए, ताकि यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़े। पर मैनेजमेंट क्या है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। इंटेंडेड यूजर का मतलब डेटर, क्रेडिटर, ऑडिटर, शेयर होल्डर, पार्टनर, बराबर। अब आप आ जाइए, मैनेजमेंट को साथ और सहकार कौन देगा? अपूर्वा देगी। तो अपूर्वा कौन हो गई? वो रिलेटेड सर्विस दे रही है, SRS वाली, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। प्राजक्ता कौन है? अब आप बोलोगे प्राजक्ता तो हेल्प कर रही है अपूर्वा, नहीं, वो ऑडिट कर रही है, तो वो क्या दे रही है? अश्योरेंस सर्विस। अब आप इधर आ जाइए, विश्व में दो सर्विस है, अश्योरेंस नॉन अश्योरेंस। प्रैक्टिशनर का मतलब CA, जब अश्योरेंस देता है, बराबर, टू द यूजर्स, उसको अश्योरेंस बोलते हैं। बट जब वो दूसरी सर्विस दे, अश्योरेंस नहीं दे रहा, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करना, टैक्स रिप्रेजेंटेशन में, उसको SRS बोलते हैं। अब इधर आ जाइए, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हिस्टोरिकल, अदर देन हिस्टोरिकल। जो अब तक बन गए वो हिस्टोरिकल, व्हाट इज अदर देन? प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एश्योरेंस देना, ओके, इंटरनल कंट्रोल पे एश्योरेंस देना, अदर देन हिस्टोरिक। हिस्टोरिकल का मतलब जो बन गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। आप बोले क्यों? किस खुशी में भाई? इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑडिटर फैटी है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ओके, नेचर ऑफ ऑडिटिंग प्रोसीजर, टाइमलीनेस, याद है ना आपको? हाँ सर, याद है। जब मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं, हिस्टोरिकल का मतलब अब तक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए उसके ऊपर जब रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं, रीजनेबल का मतलब हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, कंप्लीट नहीं, उसको ऑडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑडिट, जिसके ऊपर ऐसे लगता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो 100 से 999 होंगे। बोलो किधर से किधर होंगे? 100 से 999, परफेक्ट। पर हिस्टोरिकल के ऊपर जब मैं लिमिटेड अश्योरेंस दू, आप बोलोगे भाई लिमिटेड क्यों दूंगा, पूरा ही दे दूंगा। अरे हर 3 महीने में ऑडिट होता है लिस्टेड कंपनी का, हर 3 महीने में ऑडिट है और 10 दिन में रिपोर्ट देना है, तो 10 दिन में कितना चेक करूंगा? LR बोलते हैं लिमिटेड रिव्यू, लिस्टेड कंपनी के लिए लिमिटेड रिव्यू कंपलसरी है। साल के एंड में ऑडिट करेंगे तो खूब टाइम है चेक करूंगा, पर जब LR होता है उसमें लिमिटेड कंक्लूजन होते हैं, बिकॉज टाइम लिमिटेड है, 3 ही महीने का ऑडिट करना है, ऊपर ऊपर से करना है, तो उसमें लिमिटेड एश्योरेंस ही दे पाऊंगा। जब जब मैं
लिमिटेड एश्योरेंस देता हूं। लिमिटेड का मतलब मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट हाई, तो उसको मैं रिव्यू बोलता हूं। क्या बोलता हूं? रिव्यू। और रिव्यू के लिए SRE लगता है, जो CA फाइनल में स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। बोलो क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, इसको SRE 2000 से 2699। बोलो 2000 से 2699। सर मेरी एक बात सुनो ना, ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है? क्या पूछ रहे हो आप? आई लव यू। ऑडिट में हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है, लिमिटेड रिव्यू में लो लेवल ऑफ एश्योरेंस है। ऑडिट में बहुत प्रोसीजर होंगे, लिमिटेड रिव्यू में फ्यूवर प्रोसीजर होंगे। ऑडिट में रीजनेबल कंक्लूजन आएगा ऑन बेसिस ऑफ सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस। इधर लिमिटेड कंक्लूजन आएगा, लिमिटेड बिकॉज मुझे एविडेंस भी लिमिटेड मिल रहा है। ओके, लिमिटेड कंक्लूजन, इधर रीजनेबल, इधर फ्यूवर, इधर मोर, इधर लो, इधर हाई। क्लियर? ओके, अब आप इधर आ जाइए। ओके, अदर देन, इसको वापिस एक बार पढ़ लेते हैं। जो अब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए उसको हिस्टोरिकल बोलेंगे। हिस्टोरिकल के ऊपर एब्सोल्यूट तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? लिमिटेशन है। रीजनेबल एश्योरेंस दू, हिस्टोरिकल जो बन गए उसको ऑडिट बोलेंगे। उसके ऊपर जब लिमिटेड एश्योरेंस दू उसको रिव्यू बोलेंगे, SRE स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ओके, क्यों? 3 महीने में कितना चेक करूंगा? 3 महीने में लिमिटेड चेक करूंगा और कम समय है मेरे पास। ओके, अदर देन हिस्टोरिकल फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे बैंक लोन के लिए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए और उसमें CA का साइन चाहिए। मुझे 5 साल का आपका प्रोजेक्शन दिखाओ और CA की साइन ना हो। तो अब इंटरनल कंट्रोल, देखो फ्यूचर पे तो कभी भी मैं हाई एश्योरेंस दे ही नहीं सकता, फ्यूचर मेरे हाथ में है ही नहीं। बराबर, कल लेक्चर होगा कि नहीं मेरे हाथ में थोड़ी है, होगा वैसे पर तो भी क्लियर है। उसको लिमिटेड एश्योरेंस ही दूंगा तो उसको स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस, जिसमें 3000 से 3699 है। क्लियर है? एक आखिरी बार सुपर समरी हो जाए। देखो, एक चार्टर अकाउंटेंट 2 सर्विस देता है, अश्योरेंस नॉन अश्योरेंस। जब जब वो प्रैक्टिशनर गिव्स अश्योरेंस टू द यूजर वो अश्योरेंस है, जब जब वो रिलेटेड सर्विस दे, जैसे कि इधर अपूर्वा दे रही थी, वो क्लाइंट को किसमें हेल्प कर रही थी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, इंटरनल कंट्रोल में, न जाने और बातों पे, तो उसको क्या बोलेंगे? रिलेटेड सर्विस SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस 4000 से 4699। अब इधर आ जाइए। जब जब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रीजनेबल एश्योरेंस दे उसको ऑडिट बोलेंगे। 100 से 999 ऑडिट के स्टैंडर्ड्स होंगे। बराबर, नंबरिंग आगे। जब जब मैं लिमिटेड एश्योरेंस दू हिस्टोरिकल के ऊपर कंप्लीट नहीं, लिमिटेड, उसको रिव्यू बोलेंगे। SRE एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। ओके, अदर देन हिस्टोरिकल, अदर देन फ्यूचर के ऊपर कभी भी कंप्लीट एश्योरेंस दे ही नहीं सकता, रीजनेबल ही दूंगा। स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट लगता है, रिव्यू नहीं, एश्योरेंस एंगेजमेंट। सर ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क होता है? ऑडिट में मैं रीजनेबल कंक्लूजन लूंगा, LR में मैं लिमिटेड कंक्लूजन लूंगा। ऑडिट में मैं एक्सटेंसिव प्रोसीजर करूंगा, इसमें कम प्रोसीजर करूंगा। और इन सब के ऊपर स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल लगते हैं। जो 1 to 99 है अब तक उसमें 1 ही बना है। कौन सा बना है? 1। ओके, क्लियर है? ओके, अब एक और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये रहा, व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट? कोई भी अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? बराबर, कोई भी एंगेजमेंट में कितने एलिमेंट्स है? तो 3-पार्टी रिलेशनशिप है, RIP। R कौन है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, I इंटेंडेड यूजर, और प्रैक्टिशनर। बराबर, 3 लोग होते हैं। प्रैक्टिशनर जो ऑडिट करता है, ओके, देखो खाली ऑडिट करे उसको ऑडिटर बोलते हैं, बट जो रिव्यू को भी चेक करे, जो फ्यूचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी चेक करे, वो प्रैक्टिशनर है। तो प्रैक्टिशनर ब्रॉडर है, ऑडिटर का मतलब जो हिस्टोरिकल के ऊपर खाली रीजनेबल एश्योरेंस दे। तो नंबर 1, 3-पार्टी रिलेशनशिप, RIP। व्हाट आर एलिमेंट्स इन एश्योरेंस एंगेजमेंट? 3-पार्टी रिलेशनशिप का फुल फॉर्म बोलो, शॉर्ट फॉर्म RIP, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर, प्रैक्टिशनर। पढ़ लेता हूं, प्रैक्टिशनर गिव्स एश्योरेंस, रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन, इंटेंडेड यूजर आर यूजर्स फॉर होम यू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सब्जेक्ट मैटर, ये क्या करेंगे? सब्जेक्ट मैटर को चेक करेंगे, इंफॉर्मेशन जो चेक करेंगे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे चेक करोगे? एज पर सूटेबल क्राइटेरिया, FRF, ओके, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए? एज पर FRF। आगे क्या लेंगे? सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, सफिशियंट क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट क्वालिटी। और उसका क्या आचार डालेंगे? एविडेंस लेके नहीं, रिटर्न रिपोर्ट देंगे, रिटर्न रिपोर्ट देंगे।
okay, written report that provides conclusion about the matter. बहुत सिंपल है. What are elements of assurance engagement? बहुत सिंपल, एक मिनट में. थ्री पार्टी रिलेशनशिप होगा, आरआईपी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर, प्रैक्टिशनर. ये क्या करेंगे? सब्जेक्ट मैटर को चेक करेंगे. कैसे करेंगे? सुटेबल क्राइटेरिया के मुताबिक करेंगे. उसके बाद ओके, उसमें क्या मिलेगा? सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिलेगा और रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट देंगे. रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट देंगे. क्लियर? बहुत सिंपल. व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट? थ्री पार्टी रिलेशनशिप, आरआईपी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर, प्रैक्टिशनर. क्या करेंगे? सब्जेक्ट मैटर को चेक करेंगे. चेक करने में क्या मिलेगा? बराबर, वो कैसे करेंगे? एज पर सूटेबल क्राइटेरिया क्या मिलेगा? सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिलेगा और उसका रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट देंगे. रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट. क्लियर? एक आखिरी बार बोलो, 1 2 3 स्टार्ट. बोलो भाई भाई भाई, बहन बहन बहन, ओके. व्हाट आर एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट? बहुत ही सिंपल. नंबर वन पॉइंट बोलो, थ्री पार्टी रिलेशनशिप. बराबर, ये थ्री पार्टी क्या करेंगे? सब्जेक्ट मैटर को चेक करेंगे. कैसे करेंगे? बराबर, एज पर सूटेबल क्राइटेरिया करेंगे. उसमें क्या मिलेगा? सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस मिलेगा, उसका रिटर्न अश्योरेंस रिपोर्ट देंगे. ओके, आई होप इट इज क्लियर गाइस. बहुत बहुत आभार सुनने के लिए. पूरे चैप्टर का रिविजन कंप्लीट होता है. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स. मिलेंगे थर्सडे को वापिस एक बार. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर.